नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त उछला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है, और क्या कुछ कहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। विजेता विनेश फोगाट कल कांग्रेस में शामिल हो गई। बताते हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने कल 3 बजे कांग्रेस में शामिल हुए। उससे पहले उन्होंने अपने रेलवे में जब जॉब थी तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। बताते हैं कि जिस तरह से एक साल पहले लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार शोषण को लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया था, वहां पर विनेश फोगाट और लगातार साक्षी मलिक और विनेश पुनिया दोनों तीनों ने लगातार कहीं न कहीं उनके खिलाफ आरोप लगाए थे कि ब्रजभूषण ने इन महिलाओं के साथ शोषण किया था। शोषण के मामले लगातार काफी लंबे तक कई संगठन वहां मौजूद थे, कई पार्टियां वहां मौजूद थी और हरियाणा के जो खाप पंचायत थी उन्होंने भी इन महिला पहलवानों का समर्थन किया था। लेकिन बता दें कि आने वाले समय में लगातार कहीं ना कहीं राजनीति गर्माती नजर आई। दिल्ली अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दौरे पर है, और इस दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति, और क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, बता रहे हमारे सहयोगी शुभम बोगा। कश्मीर में विधानसभा को लेकर जो है वो चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और 18 तारीख को पहला मतदान होगा। वही अगर आपको बताते चले तो पहला मतदान 18 तारीख को होगा, और इसी के बीच गृह मंत्री अमित शाह जी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, और कल उन्होंने जो है एक पत्रकार वार्ता की और आज एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। स्टेज पर जब वो संबोधित कर रहे थे और कार्यकर्ताओं के बीच एक आवाज़ जो है वो गूंज कर आ रही थी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार। फिलहाल आपको बताते चले तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर कई जगह ऐसी भी अभी रह चुकी हैं, यहां पर विधानसभा की टिकट जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, पर शाह जी ने एक बार फिर से कहा कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार जो है वो अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। पर जो रैली है क्या वो ब्रह्मास्त्र की तरह सामने आ पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां डकैती के आरोपी के साथ मुठभेड़ का जो मामला था अब वो पूरा यानी 360 डिग्री घूम गया है, राजनीतिक रूप ले चुका है। और पूरा मामला क्या है और क्या कुछ राजनीतिक रूप लिया है, बताने हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सुल्तानपुर में सर्राफा व्यवसायी के यहाँ करोड़ों की लूट में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी और एसटीएफ की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लूटकांड और एनकाउंटर को लेकर बड़ा सवाल दागा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया, और यह भी सवाल किया है कि अगर लुटेरों से सोना बरामद हुआ तो वह किसके खजाने में जमा हुआ। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया कि अगर ऐसा नहीं है तो लुटेरे किसका प्रतिनिधि बनकर लूट की वारदात करने गए थे। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोरखपुर के दौरे पर थे, और इस दौरे पर क्या कुछ किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, बता रहे हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़े करेंगे यूपी के पहले सैनिक विद्यालय का उद्घाटन। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति महोदय स्पेशल विमान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, साथ ही वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। लगभग 3000 पुलिस बल गोरखपुर में तैनात हैं। एसपी ट्रैफिक लगातार यातायात के नियमों के पालन कराने के लिए और यातायात व्यवस्था की सुरक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं। वहीं एडीजी जोन भी जो है लगातार युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। वहीं लगभग 3000 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए जाएंगे। गोरखपुर को जो है दीपावली और दशहरे की तरह जो है चमका दिया है। अगर हम बात करें तो पूरे शहर को जो है
फूल मालाओं से सजा दिया गया है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि रहीं अदंती बेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्यपाल और कमलेश पासवान राज्य मंत्री, विपिन सिंह विधायक, रवि किशन सांसद सहित तमाम लोग जो है इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद है। भाजपा के जो कार्यकर्ता भी थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथ ही पूरे गोरखपुर में जो है हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कई बड़ी हस्तियां जो है शिरकत करते नजर आए। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया जब भी रहते हैं तभी तो गोरखपुर वासियों को जो है बड़ी सौगात देते हैं। इंडिया वाइज गोरखपुर अवनीश। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के छोटे भाई अवैध असलहे के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। और क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कंतुरा। भाजपा विधायकों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। इस बार विधायक की मुश्किलें बढ़ी है वो है जानीखेत से भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के, क्योंकि इनके जो भाई छोटे भाई हैं सतीश नैनवाल वो इस समय नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के द्वारा अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए। और जिस तरीके से मामला सामने आया, जो एसएसबी की जो प्रेस रिलीज सामने आई है, जो जानकारी वहां आई उसमें 7.65 mm के जो कारतूस हैं वो वहां पर विधायक के भाई से पकड़े गए। 40 कारतूस हैं, इसके साथ कुछ अवैध सामान भी वहां पर पकड़ा गया है। विधायक के भाई के साथ एक और व्यक्ति वहां पर पकड़े गए जिसकी जांच अभी चल रही है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मामला सामने आया ऐसे में एक और विवाद भाजपा विधायक के लिए मुसीबत बन सकता है। जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भाजपा को भी यहाँ पर सफाई देने की आवश्यकता है, अपना स्पष्टीकरण यहाँ पर देना होगा ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम घटा है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा विधायक की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो वही हाथरस में शुक्रवार की शाम को एक वाहन और बस के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में अनुमानित 17 लोगों की मौत हुई है। और कैसे हुई टक्कर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। आगरा अलीगढ़ मार्ग पर कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिस हादसे में एक ही परिवार के 15 लोग मौत के गाल में समा गए हैं। मैक्स गाड़ी में लोग सवार होकर एक कार्यक्रम में आ रहे थे, कार्यक्रम करके और पीछे से आ रही रोडवेज की जनरथ गाड़ी ने मैक्स में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि गाड़ी पलटे लेते हुए एक गड्ढे में सड़क के किनारे गिरी और गड्ढे से लोग उछलते हुए दूर दूर खेतों में गिरे। किसी का हाथ कटा तो किसी का सिर फटा, जिसमें 17 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिसमें एक परिवार के 15 लोग थे और 9 पुरुष, 4 महिलाएं, 4 बच्चे मौत के गाल में समा गए। बस सवार बस में कुछ लोग जो बैठे हुए थे उनके हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस जो है इस कार्रवाई में लग गई है। घायलों का इसका इलाज हायर सेंटर अलीगढ़ में चल रहा है। कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है लेकिन कुछ घायल अभी गंभीर बताए जा रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक हाथरस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और पैदल मार्च निकाला है, लेकिन क्यों और वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी शुभम पांडे। विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन और बायोमेट्रिक व्यवस्था को लेकर के जो प्रदर्शन है वो चला और काफी समय तक प्रदर्शन जो है करते रहे। गेट नंबर 4 से लेकर के 1 तक जो प्रदर्शन है वो जारी रहा। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बायोमेट्रिक व्यवस्था के माध्यम से जो चीज़ें हैं और डेवलप हो सकें और अच्छी चीज़ें हो सकें और व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके उसको लेकर के लगातार जो है प्रयास किए जाते हैं। और वहीं कुलपति के खिलाफ भी जो नारेबाजी है वो छात्रों ने की और लगातार जो प्रदर्शन है
वो जारी रहा। कहा जा सकता है किस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छात्र हैं वो लगातार भारी संख्या में विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 से लेकर के 1 तक लगातार जो प्रदर्शन है वो करते रहे, लगातार जो पैदल मार्च के माध्यम से अपनी जो आवाज़ है वो जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन तक पहुँचाने की जो बात है वो करते रहे। साफ पता चलता है जिस तरीके से बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसके खिलाफ लगातार जो छात्रों का प्रदर्शन है वो देखा जा सकता है। मैं सुबह पहले इंडिया वाइज तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच आपकी आवाज। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नदियों की सफाई आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन सरकारी प्रयासों से तो यमुना जी खुद ही खुद को साफ कर ले रही है। मामला क्या है, खबर क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी देना हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। दावे किए जाते हैं और करोड़ों रुपया यमुना जी के शुद्धिकरण पर मथुरा में खर्च किया गया है। सरकार ने भी करोड़ों रुपया प्रशासन को दिया है और विभागों को दिया है, लेकिन यमुना में आज भी गंदगी देखी जाती है। लाखों श्रद्धालु आते हैं और यमुना जी में आचमन करते हैं, यानी नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन जब हमारी यमुना जी साफ नहीं है तो उसको लेकर जो है उनके मन में क्या भावना आती होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। यमुना जी में अभी फिलहाल तो इतना पानी चल रहा है कि यमुना जी खुद ही स्वच्छ हो गई हैं और अभी जब पानी उतरेगा उसके बाद गंदगी यहाँ पर नजर आएगी। जब तक ये नाले नहीं टेप किए जाएंगे तब तक यमुना को जी को शुद्ध करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। तुम्हें रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों को वीडियो धमकाते हैं, और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में रामराज की कल्पना पर जिले के अधिकारी ग्रहण बनकर बैठे हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के दीनसा गौरा ब्लॉक का आया है, जहां पर जानवरों की शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता को एसी में बैठकर वीडियो ने धमकाया है और धमकाते हुए उसकी वीडियो वायरल हो गई है। हालांकि इस पूरी घटना की वीडियो जब वायरल हुई तो रायबरेली के अधिकारियों में हड़कंप का माहौल भी देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ तौर से जिम्मेदारों को हिदायत देते हुए निर्देश दिए गए थे कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या न होने पाए और लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए। यानी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में रामराज कायम करने को लेकर प्रदेश सरकार भले ही लगातार कार्य कर रही हो, लेकिन रायबरेली के अधिकारियों में इसका कोई असर नहीं देखने को मिलता है आज भी, जबकि त्वरित निस्तारण के लिए अनेक प्रकार से हेल्पलाइन भी जारी किए गए हैं, लेकिन अगर लोग हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करते हैं तो उसके लिए अधिकारियों की उनको डांट सुनने को मिलती है। राजू तिवारी, इंडिया वाइस, रायबरेली। तो वहीं लखनऊ में इमाम जमाना ट्रस्ट ने 5 मीटर के सफेद कपड़े पर सिग्नेचर कर विरोध जताया है, लेकिन क्यों किया है विरोध, वजह क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी शुभम पांडे। दिन लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा पर भारी संख्या में नमाजियों ने विरोध दर्ज किया। विरोध हुआ वक्फ संशोधन बिल का, और कहा जा सकता है वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा था। उस साफ तरीके से देखा जा सकता है, जो तस्वीरें हैं तस्वीरों में आप देख के समझ सकते हैं कि 5 मीटर का जो कपड़ा है उस
क्यूआर कोड जो है वो लगाया गया था कि मुस्लिम पर्सन ला रोड का जो क्यूआर कोड है उसके माध्यम से लगातार जो जो अपनी मौजूदगी है, जो अपना विरोध है, वो दर्ज कराने की जो बातें हैं वो कही जा रही है। और कहा जा सकता है कि शहर की जो मस्जिदें हैं उनसे भी जो समर्थन है वो मांगा गया कि वो भी जो है जो वक्फ संशोधन बिल है उसके खिलाफ जो है विरोध करें और अपना जो क्यूआर कोड लगाया गया है इमामबाड़े पर वहाँ पर लगातार उसको स्कैन करके अपने विरोध को दर्ज कराने की जो बात है वो कही जा रही है। और कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार जो विरोध चल रहा था जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर के तमाम सारी बातें जो है मौलानाओं की तरफ से कही गई कि बिल में तमाम सारी खामियां हैं, तमाम सारी कमियां हैं जिसकी वजह से उस बिल को जो बिल है उसको वो मनाही कर रहे हैं, उस पर ऐतराज जता रहे हैं और उसका जो है विरोध कर रहे हैं। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से लखनऊ। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर केदार धाम के नाम से एक मंदिर बनाया जा रहा था, हालांकि उस पर सरकार ने रोक लगा दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो उपस्थिति उसके उद्घाटन पर की गई थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर राजनीति का अखाड़ा बढ़कर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक यात्रा है यानी कि केदारनाथ रक्षा यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के केदार में जो आपदाएं थी उसके कारण कहीं ना कहीं उस यात्रा को रद्द किया था। लेकिन वहीं देखेगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भले ही वो मंदिर बनाने पर रोक लगा दी हो, साफ तौर पर कहा गया हो कि उत्तराखंड के जो चार धाम हैं या फिर कहे जाए कि जो भी इस तरह के चार धाम हैं उनके नाम से कोई भी मंदिर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से जो केदारनाथ बचाओ यात्रा है, रक्षा यात्रा है, वो एक बार फिर निकालने का ऐलान किया गया है। यानी इंडिया वॉइस धनराज तो वहीं अयोध्या में रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने शिक्षा विभाग के सहायक को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। विजिलेंस टीम ने जो है प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षिका जी थी उसका काम कर दी थी, उसके मृत्यु हो जाने के बाद जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए उसके पति को जो है बेसिक शिक्षा कार्यालय के दौड़ लगाने पड़ रहे थे और कार्य नहीं हो रहा था, और उसके पति को जो भी उसका कार्य नहीं हुआ तो वहाँ के जो सहायक लेखाकार थे तो उससे 1,00,000 रुपए की डिमांड की गई, और डिमांड पूरी ना होने के कारण जो है उसका जीपीएफ का पैसा नहीं मिल रहा था। तो उसके पति ने जो है इस मामले की शिकायत जो है विजिलेंस विभाग में की। विजिलेंस विभाग ने जो छापेमारी कर करके सहायक लेखाकार को जो है रंगे हाथों जो है 1,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देखा जा रहा है तो इस तरीके की जो विजिलेंस की कार्रवाई हो उस पर यहाँ पर लगाम लगती हुई नजर आए। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। वहीं कानपुर देहात में एसओजी प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश जारी किया है, लेकिन क्यों, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। कानपुर देहात में 2 साल पहले चोरी की बाइकों के साथ पकड़े गए 5 युवकों के मामले में कोर्ट ने 5 पुलिसकर्मियों पर लूट SC ST समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात का है जहां 2 वर्ष पहले 5 युवकों को चोरी की बाइकों के साथ पकड़ा गया था जिसके बाद उनको जेल भेजा गया। तो उन 5 युवकों में से गिरसी गांव के रहने वाले व्यक्ति रोहित ने न्यायालय की शरण लेते हुए अपने आप को निर्दोष बताया और पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने टेंट की बात करने के लिए उसे थाने ले गए थे और वहां चोरी के मामले में जेल भेज दिया। उसने अपने आप को निर्दोष बताया, सेशन कोर्ट में इसकी शिकायत की जिसके बाद कोर्ट ने अब तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, सब इंस्पेक्टर शोभित कटियार समेत 5 पुलिसकर्मियों पर लूट SC ST सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। तो बजरंग दल की टीम ने लव जिहाद का एक नया मामला उजागर किया है, और क्या कुछ है पूरा मामला बता रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। तहसील में आपको बता दें कि लव जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जैसे कि आपको बता दें पूरनपुर में आए दिन मामले लव जिहाद के नजर आते रहते हैं, जैसे कि आज एक पूरनपुर तहसील से नया मामला निकल कर करके आया है। मुसलमान लड़का एक हिंदू
महिला को बेला फुसला करके जो है उसके शारीरिक संबंध बनाने के लिए होटल में ले जा रहा था। वहीं भारतीय बजरंग दल के द्वारा जानकारी ली गई तो पता चला कि मुस्लिम लड़का हिंदू महिला को पहला फुसला करके संबंध बनाने के लिए ले जा रहा था। उस मुस्लिम युवक ने महिला को अपना नाम हृदय बताया था, जिसका जो महिला हृदय नाम समझ करके बल्कि वो लड़का मुस्लिम था और जिसके उसका नाम था फिरोज नाम था लड़के का, जिसकी आईडी देखने पर उसका नाम फिरोज निकला है। महिला समझ रही थी हृदय नाम का है लड़का की, इसी के चलते कि वो आए दिन शारीरिक संबंध मनाता रहता था, जिसके आज भारतीय बजरंग दल के द्वारा उस लड़के को पकड़ करके कोतवाली में ले जाया गया, जहां केस दर्ज करा करके जेल भिजवाने के लिए मांग की गई है। आपको बता दें पूर्णपुर में आए दिन जो है लफजात और जो है शारीरिक संबंध वाले मामले सामने निकलते रहते हैं, जिसको लेकर करके जे भारतीय बजरंग दल अपने कार्यरत पे बराबर लगे हुए हैं, जहां पर एक न एक मामला नया निकल के आता रहता है। वहीं कासगंज में महिला अधिवक्ता की अपहरण कर हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भीमशंकर। यूपी के फतेहपुर जिले में आज अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, कासगंज में अधिवक्ता महिला की अपहरण कर हत्या के मामले में आज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। वहीं अधिवक्ताओं ने मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए तथा नौकरी देने की मांग की। आपको बता दें वही डीएम श्री इंदुमति के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा। यहाँ पर आपको बता दें आज वही वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि मांग नहीं पूरी हुई तो हड़ताल जारी रहेगा। आपको बता दें चले ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के जिला कलेक्ट्रेट का है, जहाँ पर अधिवक्ताओं ने कासगंज में हुई हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन। फतेहपुर से इंडिया वॉइस के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के लिए रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।